नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। मंडी बीच में से गेहूं की फसल की हो रही चोरी को लेकर किसान परेशान। मुक्तसर साहब की दाना मंडी बीच में से गेहूं की फसल की हो रही चोरी को लेकर किसान परेशान है। हर रोज की तरह तरादाना मंडी में से किसानों की फसल चोरी हो रही है। पंजाब पुलिस नू जिहड़ा सीजन शुरू होने तो पहला असीं उन्हां नू पत्र विहार करके कहने आ भी मंडी दे विच सानू पुलिस मुहैया कराई जावे, क्यों जे छोटे छोटे बच्चे ते लेडीज़ आ इह रात बराते आ के चोरी करदे आ, उन्हां नू रोकण वास्ते पुलिस नू असीं जिहड़ा हैगा मतलब चिट्ठी पत्र लिखदे आ। मैं अज खुद भी जाके मेजर सिंह इंचार्ज उन्हां नू मिल के आया, उन्हां वल्लों कहा गया कि 8 मुलाजम जिहड़े हैगे मंडी दे विच लगे आ, रात 1:30 बजे उन्हां वल्लों आप भी आ के जिहड़ा हैगा इत्थे उन्हां नू मतलब भजाया गया सीगा। इस तो इलावा मार्केट कमेटी वालों जिहड़े 6 चौकीदार आ जिहड़े रात नू चौकीदारा करदे आ, पर फिर भी ये कोई वेले कबेले आके चोरी करन तो जिहड़ी हैगी बाज नहीं आउंदे गे। वह असीं अज पुलिस प्रशासन नू जिहड़ी हैगी बेनती कीती आ भी चंगी तरह कोई लेडी पुलिस नाल लिया के इन्हां नू मतलब थाने बंद कीता जावे जिस ते मतलब ये चोरी बंद हो। किसानों नू इक बड़ी परेशानी आ रही आ जिहड़े दुकानदारां वल्लों जिहड़े रेते सीमेंट बाहर दुकानां ते ला छड्डे, उहनां दी वी कोई कार्रवाई? उहदे वास्ते जिहड़ी कार्रवाई चली जांदी आ जी, काफ़ी हद तक चक भी लिया हैगा, जिहड़े कोई 2-3 घर रहि गए आ उन्हां दे खिलाफ़ असीं जिहड़ी FIR दर्ज कराउण वास्ते पुलिस नू लिखिया होया। मंडी विच कंडिया दी बड़ी परेशानी आ, कंडे बहुत लगे, कहिंदे नजायज़ जिहड़े मार्केट कमेटी वाले जिहड़े अधिकारी आ पैसे लै के कंडे लवाउंदे। कोई इहो जी गल नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद आ जी। असीं लास्ट झोने दे सीजन 'च भी जब्त कीते सी, हुण भी जे कोई कंडा लग्गिया होया तो जब्त कीता जाऊगा ते कारवाई कीती जाऊगी। कोई गल नहीं जी, चैक कर लें, जे कोई लग्गिया असीं जब्त करके कारवाई करांगे। इसी तरीके का ताजा मामला सामने आया जब रात किसान की फसल चोरी हो गई, जिसके चलते किसानों और मंडी में लगने वाले कांटों के बीच में तू तू मैं हो गई, जिसके बाद वो मार्केट कमेटी में पहुंचे और मीडिया की टीम के साथ बातचीत करते हुए किसानों ने कहा मेरा काम है पशु रोकने चाहिए है, तो चोरी हदों ज्यादा हो रही है जी इतने, तो चोरी जिहड़े करन वाले उह सानू शरेआम गालां कढ़दे आ मावां भैण दीआं, इस दा मतलब उहनां दी मिल भुगत अफसरां नाल तां ही गालां कढ़दे आ, ते चोर कंडे लगे आ। मैं शरेआम लाइव होकर जाके उहनूं रोकिआ, मैं कहा तूं कौन हुंदा कंडा चोरी लाई बैठा, उह कहिंदा बई सैकटरी नाल गल करो, मेरे कोले बोलिआ तां मैं तेरे जवाड़े भन दूंगा, इस तरां बोलिआ उह कंडे वाला चोर कंडे वाला, तो किवें बोल सकदा प्रशासन दी साहिब बिना कोई चोर इस तरह बोल ही नहीं सकदा गा। हाँ बिल्कुल जी, हाँ कीती है जी, पहला भी आए साल ही होंदियां जी इस तरह दीआं कारवाइयां। विश्वास तो ही सानू उदों ही आऊगा जदों ये कारवाई होगी, तो नहीं तो फिर असीं नहीं जी, नहीं कोई नहीं हुंदा गा, जदों सीजन मुक्कण वाला हुंदा उदों ये कागजी कारवाई पा लैंदे आ, उदों ये जब्त कर लैंदे आ कंडे, वो अगले साल नवें लिया आउंदे आ, क्यों लक्खां दी कमाई आ, कोई 10-20 हज़ार का कंडा ले आउणगे, कोई उन्हां नूं फर्क नहीं पैणा। बस मेन यही दिक्कतां जी सानू, तां चोरी रुक जे चल असीं तां बाकी गुजारा तां हो जाऊ साडा। पास मेरी नहीं हुई जी, क्योंकि मैं सौंदा ही नहीं, हाँ मैं पर मेरे नाल गवांढी बैठा वो पिप्पल सिंह, वो कैंसर का मरीज़ है, तो वह भी चोरी करने वाले चोर भी देख लेंगे भी किहड़ा साडे मगर भज सकदा किहड़ा नहीं, तो जदों असीं वारी ना राखी रखते हैं कुछ चिर मैं सौ जाता कुछ चिर, जदों मैं सौ गया यदि ढेरी तो यह उत्ते बैठा सी नाले दाने चक के शरेआम भज गए, जिन्हें रोकिया नूं गालां कढ़ियां ते इन्हें वीडियो बनाई है। वो कि कई बार मार्केट कमेटी के अधिकारियों से शिकायत भी की और उन्होंने बताया कि किसानों की फसल कुछ शरारती तत्वों की तरफ से चोरी करके मंडी में लगने वाले कांटों पर बेची जा रही है। इस दौरान जब मार्केट कमेटी के सचिव के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा किसानों की मुश्किल का जल्दी हल करवा दिया जाएगा और मंडी में लगने वाले नाजायज कांटों को भी बंद करवाया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ? ਇਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਂਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਗਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਯਾਰ ਤੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਲ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਛੱਪਾ ਲੈਦੇ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਲੁਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ? ਜੋ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੈਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆੜਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆੜਦੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਰ ਲੈਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਵੇਚਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਮੰਡੀ ਚ ਚਾਰ ਛੱਪਾ ਲੈਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡਰ ਪਾਣਾ। घटना जी, बुढ़िया दाने चुके लगियां मेरे, मैं मगर भज्जा उन्होंने जाके आख्या मेरे तो भज्जा नहीं गया, 20 गट्टे दाने चुके लगियां मेरे कल रात, फिर मैं लेबर इन्हां दा प्रधान सद्या लेबर वाला,
ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਲ ਆਖਿਆ, ਬੁੜੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਚੁੱਕੇ ਲਗਈਆਂ ਕਣਕ, ਮੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਘੰਟੇ ਚੁੱਕੇ ਲਗੀਆਂ ਦਾਣੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਲੇਬਰ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਗਰ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਫੜੀ ਯਾਰ ਫੜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਫੜੀ ਅਸੀਂ। ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਈ ਅੱਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। बूटा सिंह, श्री मुक्तेश्वर साहब, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।